जैसे कि हमने सुबह आपको खबर में बताया था कि 1 सितंबर 2024 को एक मर्डर किया गया, जो डेड बॉडी थी वो गाड़ी के अंदर ही बरेली एक्सप्रेसवे के समीप पाई गई। उसी विषय में आज क्षेत्रवासी और उनके परिवारजन मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये मर्डर कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ और किस लिए इस मर्डर को किया गया, उसमें आगे पुलिस क्या एक्शन कर रही है। कल सब मिला हुआ है गाड़ी के अंदर बरेली एक्सप्रेस, तो उनका क्या नाम? जितेंद्र सिंह पॉल का। आपके कौन लगते हैं? चाचा जी। चाचा जी हैं। तो क्या घटनाक्रम हुआ है इसमें? ऐसा है कि दो दिन पहले एक हमारे रिटेलर हैं जी, गुड्डी बिल्डिंग मटेरियल करके जी, तो उनसे दो दिन से बहस चल रही थी पैसे के लेन देन में जी। कल परसों के दिन एक ट्रैक्टर और लोड, पहले तो पेमेंट था ही, परसों के दिन और लोड होके गया एक ट्रैक्टर। उन्होंने फोन करके बुलाया पेमेंट के लिए, उनका नाम हेमंत है। तो रहने वाले हेमंत ये मतलब मावन से आ गए हैं, जगदीशपुर। जगदीशपुर में ही टाल है। हाँ, वही टाल है। उन्होंने फिर परसों कॉल करके बुलाया है, परसों उनको पेमेंट नहीं दिया, पूरे दिन घुमाया है। फिर वो आ गए घर पर, फिर दूसरे दिन फिर गए, दूसरे दिन उन्होंने प्लानिंग की है, प्लानिंग के साथ में उनको बुलाया है 1 सितंबर को। हाँ, कि आप आ जाइए। फिर 11:27 पे वो यहाँ से निकले दुकान से पेमेंट लेने के लिए। अब वहाँ जाके पेमेंट वगैरह कुछ मिला नहीं है, और बाकी फिर संध्या को मेरे को कॉल आई है दुकान से कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है आपकी गाड़ी में। आपको किसके द्वारा सूचना मिली? हमारे दुकानदार बगल में कॉलोनी के द्वारा। तो जैसे कि जहाँ पर डेड बॉडी मिली है बरेली एक्सप्रेसवे के पास, जो कि मावन थाना क्षेत्र लगता है, तो मावन थाने में गए आप? हाँ, मैं वहाँ पे भी गया मावन थाने में, वहाँ से सब यहाँ मोर्चरी के लिए निकाल दिया। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। आप जो जिनका मर्डर हुआ है जितेंद्र, उनका मैं भाई लगता हूँ, चचेरा सगा, मेरा मौसी का लड़का है जितेंद्र सिंह। तो ये किसके द्वारा किया गया, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कोई जानकारी? देखो, ये तो ऐसा बिजनेस का मामला था, उनका डेली का जाना आना था जी, सीमेंट का उनका उद्योग था, तो होलसेल 3-4 थे, मतलब डीलर थे बड़े, तो पैसे के लेन देन में वो जाते थे। अब शक के तौर पर हम तो ये है कि जो हमारे को जो भाई ने महेंद्र सिंह ने फोन किया था कि भाई मेरे पास आज आ जाओ, उनके पास वो गए थे। बाकी महेंद्र सिंह कौन है, कहां के रहने वाले हैं? महेंद्र सिंह मावन थाने के अंदर आता है, गुट्टी नाम के उनके दुकान का नाम है लीटर का, मगर एग्जैक्ट उनका नाम महेंद्र सिंह है। और उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ पैसे लेने के लिए, उनका फोन आया तो भाई वहां गया। उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं मंगल, हमें तो फिर सूचना आई थी थाने के थ्रू कि भाई ऐसा जितेंद्र फौजदार है, उनकी डेड मिली है बॉडी। फिर हम वहाँ गए थे, उन्होंने अभी कार्रवाई की है, पर हमारा निवेदन ये है। क्या कार्रवाई की है अभी तक? उन्होंने बाई नेम दर्ज रिपोर्ट कर ली है, प्लस और भी कार्रवाई पूछताछ छानबीन कर रही है, और अभी पोस्टमास्टर हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर आ रहे हैं, अभी वेट हो रहा है। मगर हमारा यही अनुरोध है कि जब तक अभी हम जैसे SDM साहब से मिल के आए और SP साहब से मिल के आए, अगर दोषी को नहीं पकड़ा गया जल्दी से जल्दी, तो पहले हम दाह संस्कार नहीं करेंगे अभी तक, यहाँ से चाहे ले जाए, मगर जब तक ये बिल्कुल आश्वासन देंगे कि हाँ भाई हम कैदी को पकड़ रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसको पकड़ रहे हैं, तभी उसके बाद हम दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो हम प्रदर्शन धरना पर धरेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, परिवारी जन और क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोगों से जानकारी लेते हैं कि इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए, तो उसमें आगे क्या कार्रवाई? मेन चीज ये भी है कि अगर ऐसे बिजनेसमैनों को अगर साले गुंडे लोग, बेईमान लोग अगर मारने लगेंगे, तो दूसरे बिजनेसमैन क्या करेंगे? ये तो प्रॉपर इंसानियत वाली बात है ही नहीं, बेईमानों की बात है। काफी क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस तरीके की घटना आए दिन हमें देखने को मिल रही है। आपके चैनल से हमारा ये निवेदन रहेगा कि जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर SSP साहब थोड़ा सा ध्यान दें, संज्ञान दें, और ये मुजरिम है और इस प्रकार के जो प्रकरण कर रहे हैं, इन पे कुछ अंकुश लगाएं। कुछ थोड़ा ही ज्यादा ही ढीलासा छोड़ रखा है, भले ही योगी जी की सरकार है, वो अपनी जगह बड़े लोगों के लिए ज्यादा, मतलब बड़े गुंडों को तो कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये छुटबुए नए नए पैदा हो रहे हैं, 50,000 रुपए आदमियों को मार रहे हैं, 10,000 रुपए आदमियों को मार रहे हैं, इन पर अभी कंट्रोल नहीं है, चाहे वो SSP साहब कुछ भी माने उसको, ऐसा यहाँ चल रहा है। मतलब आप SSP साहब से मिले, उन्होंने क्या? उन्होंने तो ये कह दिया अज्ञात में ये मर्डर, अज्ञात की एप्लीकेशन है आपकी, जबकि नाम दर्ज दिया हमने,
वो कह रहे हैं अज्ञात की है, आपके सामने मिले अभी हम लोग। आपने कोई एक्शन के लिए एक्शन के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे बैठेंगे अगर नहीं सुनेंगे तो? अभी तो आश्वस्त कर दिया हमको कि आप पोस्टमार्टम कराइए और बॉडी ले जाइए, अगर वो आगे नहीं सुनेंगे हमारी तो हम लोग सब लोग जो क्षेत्र के लोग आएंगे यहाँ पे। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी क्षेत्रवासी मौजूद हैं। कल 1 सितंबर 2024 को जितेंद्र सिंह फौजदार नामक एक सीमेंट व्यापारी किया मर्डर किया गया है। उनकी डेड बॉडी उनकी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दी बरेली एक्सप्रेसवे के पास में। और अभी यहाँ पर उनके परिवारिक जनों ने बताया कि जो नाम दर्ज जिसका किया गया है FIR में उसका नाम हेवंत है, जो कि गुड्डी टाल के नाम से उनकी दुकान महावन में मौजूद है। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। SFC साहब से भी ये लोग मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है इनको कि इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो अज्ञात में हमारे पास प्राप्त हुई है तो उसके अकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर जाँच पड़ताल कर रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि आगे इस केस में क्या मोड़ आता है। परिवारिक जन और क्षेत्रवासी भारी आक्रोश में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अपराधी को अगर नहीं पकड़ा जाता है तो वो आगे इसमें धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बॉडी का अंतिम संस्कार वो तभी करेंगे जब पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई कड़ा आश्वासन मिलेगा, उसके बाद ही कोई आगे निर्णय लिया जाएगा और बॉडी का दाह संस्कार किया जाएगा। जब तक वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। इसी के साथ इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, आगे जो भी अपडेट मिलेंगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन दीक्षित के साथ मैं सत्यपाल सिंह, RPR न्यूज TV मथुरा। नमस्कार। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।